बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। मुशर्रफ, मौका है कि सक्कर को रोबोटिक सेंटर दिया जा रहा है रोबोटिक सर्जरी के लिए, और रोबोटिक सर्जरी से यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं समझती हूँ कि हमने जितना भी हम हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर सकती है वो कर रही है, और गवर्नमेंट सिंह जो है इसमें पेश है, और गवर्नमेंट सिंह की तरफ इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी दी जा रही है रोबोटिक्स की, और ये मुफ्त इलाज होगा इन सक्कर के लोगों के लिए। तो मेरी तरफ से ये जो है मैं समझती हूँ हमारी तरफ से ये तोहफा है सिंध गवर्नमेंट को, और इसमें जो पेशरफ है वो ज़रूर प्रोफेसर अदीब रिजवी के बगैर हम कर नहीं सकते थे। प्रोफेसर अदीब रिजवी ने जो है उन्हीं की काविशों की वजह से ये हम कर सके हैं रोबोटिक सर्जरी इधर इस सक्कर के लिए। और प्रोफेसर अदीब रिजवी का ख्वाब है कि ये जो है लोगों को इस तरह की सहूलतें घर तक पहुंचाई जाएं, और ऑब्वियसली सक्कर के लोगों के लिए ये खुशाइन बात है। मैं इसलिए सबकी तहे दिल से खुश शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर अदीब रिजवी की, SIUT के जो जितने भी लोग जो काम करते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, जो भी काम करता है वो उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो इसमें अपना हिस्सा उन्होंने डाला है, और ये इंशाल्लाह यहाँ काम बहुत बेहतर तरीके से होता है। अभी इंडिविजुअल डॉक्टर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना अपना काम करें और मेहनत से काम करें, हराम की नहीं खाएं। क्योंकि मैं यही कह सकती हूँ उनको, क्योंकि आप जो है पैरामेडिक्स और जो भी एहतजाज करता है वो किसके लिए अजाब बनता है, लोगों के लिए, इंसान ज़ात के लिए अजाब बनता है, और इनको जो भी है जो भी गुनाह सवाब जो है वो उनके सर पे होता है कि आप लोग इस तरह